नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ck.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मुफ्त नाश्ता योजना स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन यानी मिड डे मील के साथ ही सुबह का नाश्ता भी मुफ्त दिया जाना निर्धारित किया गया है। और इसी क्रम में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बिलासपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पेंड्रा विकासखंड के नवा गांव से ब्रेकफास्ट योजना शुरू की गई है स्कूली बच्चों के लिए। और इस योजना के क्रियान्वयन से बिलासपुर जिले के 10,082 बच्चे लाभान्वित होंगे। और नाश्ता योजना राज्य के बिलासपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। योजना की सफलता को देखते हुए इसे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बाद में शुरू किया जाएगा। और राज्य के शिक्षा मंत्री के अनुसार जो है, आदिवासी क्षेत्र के बच्चे सुबह पर्याप्त नाश्ता करके नहीं आते, जिससे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसी कारण से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नवा गांव से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू की गई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुफ्त नाश्ता योजना बच्चों स्कूली बच्चों के लिए शुरू करने का उद्देश्य जो है, बच्चों में पौष्टिक की कमी को पूरा करना और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई में रुचि का विकसित करने के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू की गई है। दरअसल एक शोध के अनुसार जो है, असामान्य विषयों को समझने की मेहनत करने के लिए सुबह के नाश्ते का जो है पोषक तत्वों से भरपूर होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी एवं सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के बच्चों को जो है पौष्टिक नाश्ता वितरण किए जाने की योजना बनाई गई है, जिससे बच्चों का पेट भरा होने से शिक्षा ग्रहण करने में रुचि पैदा हो सके और इसके अतिरिक्त बच्चों में कुपोषण की समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सके। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है, स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें मुफ्त नाश्ता योजना भी जोड़ दिया गया है। तो पहले केवल स्कूली सरकारी स्कूल के बच्चों को जो है मिड डे मील दिया जाता था, मध्यान्ह का भोजन, अब उनको सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। और योजना के तहत जो है, गर्म गर्म नाश्ता विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है, ताकि उसमें पौष्टिक तत्व जो है उसके नष्ट ना हो। किंतु जिन स्थानों पर गर्म भोजन वितरित करना संभव नहीं है, जिन स्थानों के स्कूलों में, उन स्थानों पर जो है मूंगफली अथवा चना गुड़ के साथ जो स्थानीय फलों को बच्चों को वितरित किया जाएगा। एक कोई स्थानीय फल प्रतिदिन वितरित किए जाएंगे। और केंद्र प्रायोजित मुफ्त ब्रेकफास्ट योजना के अंतर्गत जो है, नाश्ते में पोषक तत्वों की मात्रा भी निर्धारित की गई है, जिसमें जो है 15 ग्राम प्रोटीन और 20 ग्राम उच्च प्रोटीन फोर्टिफाइड सोया बिस्किट, 30 ग्राम चिवड़ा और 50 ग्राम उच्च प्रोटीन फोर्टिफाइड हलवा, इतनी मात्रा होगी पौष्टिक पोषक तत्वों की भोजन में नाश्ते में, इस प्रकार से नाश्ता उन्हें वितरित किया जाएगा। और नाश्ते में के रूप में जो है, बच्चों को चिवड़ा, हलवा और प्रोटीन युक्त क्रंच बिस्किट आदि बदल बदल कर दिए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ फ्री ब्रेकफास्ट योजना के अंतर्गत जो है, बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूल हैं या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, उनमें जो है फ्री ब्रेकफास्ट योजना वितरित करना चालू कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मदरसे हैं और विशेष प्रशिक्षण केंद्र हैं, उनमें भी
एक से आठ तक के विद्यार्थियों को योजना के तहत मध्याह्न भोजन के साथ ही सुबह का नाश्ता भी वितरित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ये योजना चालू कर दी गई है। और योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कुल 10,082 स्कूली बच्चों को पौष्टिक नाश्ता योजना का लाभ प्राप्त होगा, जिनमें से 125 जो हैं प्राथमिक विद्यालय हैं और 61 माध्यमिक शालाओं के बच्चे सम्मिलित होंगे। और छत्तीसगढ़ की मुफ्त नाश्ता योजना के तहत जो है बीज एवं कृषि विभाग विकास निगम द्वारा नाश्ता तैयार किया जाएगा। और नाश्ते में उच्च प्रोटीन युक्त सोया क्रंच, चिवड़ा, हलवा, सोया बिस्किट आदि वितरित किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से नई शिक्षा नीति के तहत अब सरकारी स्कूल के बच्चों को या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों को 1 से 8 तक के जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें मध्याह्न भोजन के साथ ही पौष्टिक नाश्ता भी प्रदान किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।